पहले मैंने यहाँ पे ये होल ग्रेन ब्रेड लिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ये जो अंदर का है वो कट करके ले लेंगे। ये मैंने पूरा अंदर का ब्रेड निकाला है। ये कट हो जाने के बाद हम लोग इसको ऐसे ही पैन में रखेंगे, तो मैं ऐसे ही पैन में रखने वाली हूँ। मैंने बटर लिया है, तो बटर खाली पीछे से ऐसे छोड़ने का है, तो वो पूरे पैन में लगेगा। आपको चाहिए तो पहले भी बटर लगा के ले सकते हो। तो ये पूरे ऐसे पैन में रहेगा, तो फिर उसके बाद मैं एक अंडा ले लूँगी, तो अंडा फोड़ के इसके अंदर डालना है। इसको ऐसे पूरे से डालना है, इसके बाद इसके ऊपर फिर मैं ये मेरे पास ब्लैक पेपर है वो डालूँगी, फिर मिक्स हर्ब है तो वो हर्ब डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डाल सकते हो। और फिर रहा सॉल्ट, तो उसके ऊपर सॉल्ट डालना है। तो सॉल्ट डालने के बाद अभी ये जो हम लोग ने ब्रेड निकाला था ये पूरा के पूरा ऐसे उसके ऊपर प्लेस करना है, ऐसे ही ऊपर आराम से रखना है। और फिर थोड़ा सा बटर लगाएंगे ऐसे, तो पीछे जलेगा नहीं, थोड़ा सा बटर लगाना है खाली। फिर हम लोग इसको, अभी नीचे से अंडा अच्छे से पका होगा तो हम लोग इसको टर्न कर लेते ऐसे, पूरा टर्न हो गया, तो इसको अभी अच्छे से सेक लेते। अभी पीछे से वापस चेक करते, देखिए हमारा पूरा टोस्ट अभी रेडी है अंडे के साथ। तो अभी ऐसे के ऐसे आप बच्चों को सर्व कर सकते हो। वेरी सिंपल रेसिपी है ये, अगर आपको चाहिए तो आप ऊपर से चीज़ डाल सकते हो, बहुत ही टेस्टी होता है। आप अंडे के अंदर टोमेटो चिली और मशरूम्स वगैरह कौन सा भी वेजिटेबल डाल के उसको फिल कर सकते हो। तो हमारा ये अभी बच्चों का अंडा विद ब्रेड टोस्ट रेडी है खाने के लिए। तो आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, बहुत सादा सिंपल ब्रेकफास्ट है ये बच्चों के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।